वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस, आईबीपीएस एंड अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूजफुल होगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर देना है ये क्वेश्चन का तो आप वीडियो को पॉज करके आपकी अलग से नोट में आपका रेटिंग चेक कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। यानी कि लीगल टेंडर मनी क्या है नीचे के ऑप्शन में से, वो आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर इज बी, द मनी विच क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। यानी कि आप 100 रुपीज की नोट लेके आरबीआई में जाते हो तो आरबीआई को उसके सामने आपको कुछ ना कुछ देना होगा। यानी आप वो 100 रुपीज की नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, इट्स कॉल्ड लीगल टेंडर। आप किसी के पास गेहूं लेके जाए तो वो सामने आपको 100 रुपीज की नोट दे और ना भी दे, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। मुझे जरूरत है टमाटर की, ओके, और वो टमाटर के सामने मुझे चाहिए, सॉरी सामने वाले को चाहिए गेहूं, तो मैं उसको गेहूं दे दूं और वो मुझे टमाटर दे दे तो चलेगा, बट वो लीगल टेंडर है ही नहीं। आरबीआई ने जिस पर लिखा होता है कि इट्स अ लीगल टेंडर, इसके सामने हम कुछ आपको देने के लिए बाउंड है, उसको बोला जाता है लीगल टेंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ओके, आपको अगर आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। ओके, मैं आंसर दे देता हूं, राइट आंसर इज ए। अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है क्या? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सर्वर है जहां पे सारी बैंकों का इनपुट आता है और वहीं से ही आउटपुट निकलता है सारी बैंकों का। यानी कि लेन देन का सारा हिसाब एक ही जगह पे रखना, इट्स कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर यानी किसी भी चीज का बीच का पोर्शन, यानी महत्वपूर्ण पोर्शन। तो आरबीआई का अभी कोर सॉल्यूशन है ई कुबेर, वैसे ही कुछ एसबीआई का भी होगा, आईसीआईसीआई बैंक का भी एक कोर सॉल्यूशन होगा जहां पे वो एक जगह पे सारा हिसाब किताब रखेंगे। आरबीआई कितनी सारी बैंकों को हैंडल कर रहा है, तो वो सारी बैंकों का एक ही जगह पे जहां से हिसाब किताब मिल जाए, इट्स कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। वो किसके लिए होता है? नेटवर्किंग ऑफ बैंकिंग ब्रांचेस विच अनेबल द कंज्यूमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। यानी यहां से रहकर मैं महाराष्ट्र में भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ, आसाम में भी कर सकता हूँ। ओके, यानी एक ही जगह से मैं पूरे देश में कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, इवन एब्रॉड भी कर सकता हूँ। ओके, तो इट्स कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है एनपीसीआई के रिगार्डिंग, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। सेकेंड है एनपीसीआई लॉन्च रुपे कार्ड, अ कार्ड पेमेंट स्कीम। ओके, देखिए एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, यानी एक भी रुपया कमाता नहीं है, खाली सर्विस ही देता है। यूपीआई, एटीएम, भीम ऐप, ये सारी सर्विस जो ऑनलाइन चल रही है वो एनपीसीआई ही देता है, और उसके लिए एक भी रुपया ट्रांजेक्शन एनपीसीआई खुद नहीं लेता, भले ही वो बैंक ले बट एनपीसीआई नहीं लेता। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर है, दोनों सही है। देखिए एटीएम का यूज करने से आप बैंक में ज्यादा जाएंगे नहीं, ओके, यानी आपका टाइम बचेगा। दूसरा, अगर एटीएम से पेमेंट करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, लीगल ट्रांजेक्शन होगा। दूसरा, यूपीआई भीम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों सही है, रुपे कार्ड एनपीसीआई ने बनाया है जिसकी वजह से अभी वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड को बहुत ही लॉस हो रहा है, यानी कि 200-300 करोड़ का लॉस हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिलो टॉपिक, यानी कि भीम ऐप इज अलाउड द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विथ यूपीआई अनेबल्ड अकाउंट। ये बात सही है, भीम ऐप से आप किसी भी अकाउंट में किसी भी टाइम पे अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई की वजह से, अनइंटरप्टेड
यूपीआई की वजह से, वाइल चीप पिन डेबिट कार्ड हैज अ फोर फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये रॉन्ग है, यहाँ पे टू आएगा, और भीम हैज अ टू फैक्टर, यहाँ पे थ्री आएगा, कौन से, मोबाइल नंबर आपका, दूसरा यूपीआई भीम पिन, एंड तीसरा आपका बैंक वेरिफिकेशन एसएमएस। यानी भीम तीन सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन से काम करता है, जबकि डेबिट कार्ड दो से करता है, यानी सिक्योरिटी भी भीम में ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ए, सेकेंड रॉन्ग है। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट, यानी डिजिटल पेमेंट पे बनने वाली कमिटी के चेयरमैन कौन, किसको अनाउंस किया है आरबीआई ने, तो नंदन नीलेकानी को अनाउंस किया है, जो इन प्रीवियस वर्क उनका इंफोसिस के साथ था, और अभी आधार कार्ड के साथ भी उन्होंने काम किया है, तो डिजिटल पेमेंट के लिए नंदन नीलेकानी कमिटी इज अ राइट आंसर। बिटकॉइन के बारे में क्वेश्चन है, हाल ही में वो बहुत चर्चा में है, इसलिए देख लेते हैं। बिटकॉइन के बारे में पहले आंसर की, आंसर का डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। राइट आंसर इज बी, डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, जनरेटेड थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको लीगल टेंडर 2016 में अनाउंस किया है, ओके ऐसा माना जाता है। अब राइट आंसर है वन एंड टू, यानी थ्री गलत है, क्यों है बता देता हूं। देखिए, बिटकॉइन बना था मेरे और आपके जैसे लोग जो डीमोनेटाइजेशन से बोरिंग हो गए थे, यानी जिनको पैसे का डीमोनेटाइजेशन पसंद नहीं है, जो वर्चुअल मनी में मानते हैं ऐसे लोग, ऐसे में एक था सातोशी, जिन्होंने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था कंप्यूटर सिस्टम की सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी ऐसा कोई कोडिंग करना जिसको कोई तोड़ ना पाए और वो वर्चुअल मनी में कन्वर्ट करता था। उसने वन बिटकॉइन इज इक्वल टू 10^8 सातोशी, ये भी यूनिट दिया था, ओके सातोशी, याद रखना, सातोशी ने सर्च किया था और फाउंड किया था ये बिटकॉइन, इसीलिए उसका यूनिट भी वन बिटकॉइन इज इक्वल टू 10^8 सातोशी आया है। अब बिटकॉइन इंडिया में लीगल है ही नहीं, ओके तो ये थर्ड वाला गलत है। अभी फेसबुक ने अपनी ऐसी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है लिब्रा, वेनेजुएला कंट्री जो यूएसए के नीचे आई है, उन्होंने भी अपनी खुद की करेंसी बनाई है पेट्रो। ऐसे दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने, एक दो कंट्री ने अपने लीगल टेंडर में उसको अलाउ किया है, बट आरबीआई ने अभी तक किया नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपको मेरा प्रयास सही लगे तो आप सही में डेडिकेटेडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे लेक्चर बनाने वाला हूँ जो फ्री में होंगे और आपके स्टडी के करंट सिचुएशन के मुताबिक होंगे, यानी आपको जो लेवल चाहिए वही लेवल के मुताबिक बनाने वाला हूँ। तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करने का भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द एसेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी अगर कॉमर्शियल बैंक अपना टोटल अकाउंट गिने तो उसमें कौन सी चीज नहीं आएगी, तो राइट आंसर है डिपॉजिट। डिपॉजिट आप करते हो वो आपकी एसेट है, तो वो आपकी एसेट में गिनी जाएगी, ओके वो बैंक की, कॉमर्शियल बैंक की, यानी एसबीआई आईसीआई वो सब बैंक की डिपॉजिट में नहीं गिना जाएगा, आप जो डिपॉजिट करते हो वो आपकी प्रॉपर्टी में गिना जाएगा, ओके आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर के लिए इकोनॉमी इंक्रीज विथ, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ, यानी मनी मल्टीप्लायर क्या है पहले बता देता हूं। एक्स के पास से रुपीज वाई के पास जाएगा, वाई के पास से जेड के पास, जेड अगेन एक्स को दे सकता है, ऐसे घूमता रहेगा, या तो कोई नेटवर्क बनेगा या तो कोई सर्किट बनेगी, यानी पैसा घूमता रहेगा, इट्स कॉल्ड नेटवर्क मनी मल्टीप्लायर। इससे क्या होगा, इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। देख लीजिए, जनधन योजना जब से अनाउंस किया है तब से बैंकों में लाइन बढ़ गई है, वो एक मनी मल्टीप्लायर का अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको आपके अकाउंट में किसी भी स्कीम का पैसा चाहिए तो आपको जनधन अकाउंट में ओपन करना है। उससे दो चीज हुई, लोग बैंकिंग सिस्टम यूज करने लगे, दूसरा बिचौलिए जो पैसे खा रहे थे
वो भी कम हो गए। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड ये नया क्वेश्चन है, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे CRR होता है वैसे ही SLR होता है, ओके? यानी कुछ पैसे फिक्स विदाउट इंटरेस्ट RBI में रखने पड़ते हैं कॉमर्शियल बैंक को, वैसे ही SLR हर एक बैंक को रखना पड़ता है, बट उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा बहुत, बट CRR में बिल्कुल इंटरेस्ट मिलता नहीं है। राइट आंसर है 2 और 3। पहला क्यों गलत है, SLR मीट कॉमर्शियल बैंक मस्ट बी कैप कैश ओनली, कैश नहीं, उसमें अगर गोल्ड होगा तो चलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए तो चलेगा, बॉन्ड हो गए तो चलेगा, कैश कंपलसरी नहीं है और कैश शायद लेते भी नहीं है SLR में, ओके? SLR मेंटेन बाय बैंक विथ देमसेल्फ्स, राइट? SLR रिस्ट्रिक्ट द बैंक लेवरेजेस इन पंपिंग मोर मनी इनटू इकोनॉमी। ये बात भी सही है, अगर SLR कम होगा यानी कि ICICI बैंक को 4% SLR की जगह पे 3% कर ले, यानी 1% ICICI बैंक के पास बचेंगे, तो वो किसी को लोन पे दे देगा, यानी कि किसी का कोई नया घर बन जाएगा या नई कार आ जाएगी और बैंक का भी ट्रांजेक्शन होता रहेगा, बैंक को ब्याज मिलेगा, यानी उनकी भी इनकम बढ़ेगी। कैश रिजर्व रेशियो, ओके, ये इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज शेयर NDTL दैट बैंक हैव होल्ड अ बैलेंस विथ RBI। मैंने जैसे बताया कि एक फिक्स डिपॉजिट टाइप अमाउंट रखना पड़ता है, जैसे 3% हो, 4% हो, अभी के लिए SLR CRR है 3%, ओके? यानी 100 करोड़ में से 3% आपको वहां पे अरेंज करने पड़े, यानी 3 करोड़ रुपीस आपको यूज भी नहीं कर सकते और बैंक RBI उस पे ब्याज भी नहीं देगी, ओके? ऐसे अमाउंट को बोला जाता है CRR। आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, आप आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। OMO, राइट आंसर इज सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। देखिए, ये गवर्नमेंट है, ये RBI। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को किसी योजना के लिए, चलो आरोग्य रिलेटेड हमारी जो योजना है, हेल्थ के रिलेटेड, उसके लिए गवर्नमेंट को चलो 10,000 करोड़ की जरूरत है, बट अभी गवर्नमेंट के पास 5,000 करोड़ ही है, ओके? तो वो 5,000 करोड़ कहीं से ला नहीं सकती है, तो वो RBI के पास जाएगा, बोलेगे कि भाई हम एक कागज में लिख के देते एक बॉन्ड कि हम 5 साल के बाद आपको इतना ब्याज देंगे, आप हमें 5,000 करोड़ दे दो। तो RBI अपने अकाउंट में से OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ दे देगी, और ये कागज के तौर पे, ये कागज कीमती है, मैं इसको कागज इसलिए बोल रहा हूँ आपको एक फॉर्म में समझ में आए, ओके, माइंड में उतर जाए इसलिए, तो इट्स कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड बी रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन अ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। कौन सा ऐसा मेजर है जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, यानी मेरे पास बैंक के थ्रू ज्यादा पैसे आएंगे यूज करने के लिए, या तो मैं उसको ज्यादा खर्च कर सकता हूं। राइट आंसर इज सी, 1 और 3। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, यानी RBI पब्लिक के पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है, सामने क्या देगी, डॉलर यानी मनी, चलो मनी सोच लो, मनी देती है, तो वो मनी जाके कोई भी इंसान आइसक्रीम परचेस करेगा, मूवी देखेगा, मौज शौक कंप्लीट करेगा या एंटरटेनमेंट करेगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाए, ओके? तीसरा है बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट ये कागज वापिस लेना चाहती है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने समझा, तो ये क्वेश्चन कागज वापिस लेने के लिए RBI को पैसे देने पड़ेंगे, अगर RBI के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो वो फिर से लोगों में घूमना चालू हो जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक से लोन मिलेगी, सस्ते में लोन मिलेगी, लोग यूज करेंगे, गाड़ी परचेस करेंगे, एक की जगह पे 4 नैनो कार परचेस करेंगे, तो इसकी वजह से ये 2 काम हो गए, बाकी के 2 सेंटेंस एकदम गलत है। आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं नाणकीय नीति, ओके? मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड कौन सी चीज पार्ट है मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कोई भी डिसीजन लेते हैं मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड तो किस चीज को ध्यान में रखते हैं।
राइट आंसर इज सी, 1 and 2, बैंक रेट, यानी CLR, SLR, OMO, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए सेकंड ऑप्शन में OMO आ गया। अब पब्लिक डेब्ट एंड पब्लिक रेवेन्यू वो गवर्नमेंट का काम है, वो RBI का काम नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी राइट आंसर इज 1 and 2। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कल पे एक XYZ नाम की नई बैंक बन रही है, तो ये बैंक का कुछ क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है कि भाई आप अगर 100 रुपीज यूज करते हो लोन के तौर पे, तो वो लोन में से 40% लोन आपको फार्मर्स को देना है, MSME में देना है एंड वीकर सेक्शन को देना है। ये फिक्स है, इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकता, तो ये 40% आपको ये लोगों के पीछे ही यूज करना है, इट्स कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो राइट आंसर है डी, कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल ऑफ द अबव, वीकर सेक्शन, MSME एंड एग्रीकल्चर। आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट खास देखिएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक करके बैठते हैं। नॉट अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल रेशियो, राइट आंसर इज अ डी, कैश रिजर्व रेशियो की कोई लिमिट नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होता है, और इसके रिलेटेड पब्लिक कुछ नहीं करती, पब्लिक नहीं RBI ही करती है। ओके, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो RBI के हाथ में, तो ये पार्ट नहीं है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट यानी ब्याज दर बढ़ने पे क्या होता है? बट ऑब्वियस सबको पता है कि ब्याज दर बढ़ने से क्या होता है। राइट आंसर इज डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी यानी जो पैसे हवा में उड़ रहे थे उसको एक बैग में भर के RBI अपने पास रखेगा। ये एक एग्जांपल है, इसको एग्जाम में मत लिखिएगा, समझाने के लिए, कि पहले कम ब्याज दर में देते थे, यानी 3% पे आप नैनो कार परचेस करते थे, अब वही ब्याज दर 20% हो जाते हैं, तो आप नैनो क्या स्प्लेंडर बाइक भी नहीं परचेस करेंगे। ओके, इतना कमी आ जाना पैसे में, यानी ब्याज दर ज्यादा हो जाना। ओके, ब्याज दर ज्यादा होने से क्या हो गया, लोगों के बीच में पैसों का फ्लो कम हो जाएगा, यानी टाइट मनी पॉलिसी RBI के द्वारा। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी क्या है, महंगाई। ओके, तो राइट आंसर क्या है, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, यानी लोगों के पास पैसे कम आएंगे। देखिए समझाता हूं, ये प्याज है, ओके, तीन प्याज है, सामने लेने वाले 50 हैं और हर एक के पास 100 रुपीज है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 150। यानी अगर आपके पास पैसे ज्यादा है और चीजें कम है तो महंगाई बढ़ेगी, यानी अगर कंट्रोल करना है तो क्या, इनके पास ही RBI के थ्रू पैसे कम आएंगे, तो ये ब्याज के प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। इट्स कॉल्ड डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। आगे का क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी। अगेन मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के रिलेटेड है, तो राइट आंसर है ए, ओनली वन, इट डिसाइड RBI's बेंचमार्क फॉर इंटरेस्ट रेट। इसमें 12 मेंबर होते हैं और ये हर साल होती है, ये गलत चीज है। उसके चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी गलत चीज है। तो राइट आंसर इज RBI डिसाइड अ बेंचमार्क, तो राइट आंसर इज वन ओनली। इन कंटेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ अर्लियर इवेंट टेक प्लेस, यानी कि ये सारी घटनाओं में से कौन सी घटना पहले बनी थी। तो राइट आंसर इज RBI 1935 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया था इंडिया में। ओके, दूसरी बनी थी घटना 5-year plan 1951 में। स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1955
55 में। बहुत सारे स्टूडेंट को गलती ये है कि 1969 में ही हुआ था, ये गलत चीज़ है। और इंश्योरेंस कंपनी का 1959 में हुआ था, यानी पहले कौन सी घटना बनी थी, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आगे क्वेश्चन है, ये फाइंडिंग द करेंट स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक के रिलेटेड सही आंसर क्या है वो फाइंड करना है। अब पेमेंट बैंक में आपको समझाऊं कि पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वोडाफोन वॉलेट, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सारी पेमेंट बैंक है। ओके, तो इनके रिलेटेड राइट आंसर बी है। क्यों है देख लेते हैं। पहले मोबाइल टेलीफोन कंपनी सुपरमार्केट यानी पेटीएम है, फोन पे चेन अलाउड ओवन एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट फॉर एलिजिबल टू प्रमोट पेमेंट बैंक। ये बात सही है कि कोई भी इंसान कहीं से भी मोबाइल वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। पेमेंट बैंक कैन इश्यू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। मैंने तो कहीं देखा नहीं है और आपने भी शायद देखा नहीं होगा कि एयरटेल का कहीं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो। फ्यूचर में हो सकता है, बट उसके लिए आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी है। पेमेंट बैंक कैन नॉट बी अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। ओके, ये बात सही है कि पेमेंट बैंक कुछ सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकती अपना, यानी डिपॉजिट एफडी नहीं ले सकती, ये सारी चीज नहीं कर सकती। देखिए आज के 20 क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही शायद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तब तक के लिए आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करने का भूलिएगा मत। थैंक यू।